फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है, क्या आपको लगता है कि आपका ओव्यूलेशन 14th डे होता है, 14वें दिन होता है आपकी साइकिल के। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओव्यूलेशन को ट्रैक करके प्रेगनेंसी रुक सकती है, ये हम सब ने सुना है। हम सबको पता है कि ओव्यूलेशन मतलब महिला के शरीर में अंडा रिलीज होना, एग बनना, और जब वो रिलीज होगा उस टाइम पे अगर रिलेशन बनाया जाएगा तो उससे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं और उसी से ही प्रेगनेंसी रुकेगी। अब ये जो ओव्यूलेशन है इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं? बहुत सारी महिलाओं को लगता है, इवन सुना होता है कि 14वें दिन अंडा रिलीज होता है। तो सबको लगता है कि अगर 14th डे अपनी साइकिल के, हम 14th डे पे आप इंटरकोर्स करेंगे, 14th डे पे अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। पर ऐसा नहीं है, सबका एग रिलीज होने का डे 14th नहीं है। 14th डे जो है वो उन महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है जिनकी साइकिल की लेंथ 28 डेज है, 28 दिन की है। पर हर महिला का पीरियड 28 दिन में नहीं आ जाता है, हर महिला की जो पीरियड साइकिल है वो 28 डेज की नहीं होती है। जो नॉर्मल पीरियड साइकिल है उसकी एक रेंज है, वो 21 दिन से लेकर 35 दिन तक, 21 डेज टू 35 डेज तक हो सकती है। मतलब किसी महिला के पीरियड्स 21 दिन, हर 21 दिन में आ सकते हैं, किसी महिला के 35 दिन, 35 डेज मैक्सिमम तक आ सकते हैं, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसके बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी के 25 दिन में आ सकते हैं, 28 दिन में आ सकते हैं, 30 दिन में, 32 दिन में, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हर महिला का 14th डे नहीं होता, जिनकी साइकिल की लेंथ 28 डेज की है उनका 14th डे होता है। अगर आपकी साइकिल की लेंथ कम दिन की है तो आपका ओव्यूलेशन 14th डे से पहले होगा। अगर आपकी साइकिल की लेंथ 28 दिन से ज़्यादा की है तो आपका ओव्यूलेशन जो है 14वें दिन के बाद में होगा। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। अगर इसका रूल माने तो इसका रूल ये है कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है उसमें से अगर आप 14 दिन माइनस कर देती हैं तो आपको आपका ओव्यूलेशन का दिन निकल जाता है, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या आपको पता है कि आपके पीरियड आने की क्या डेट है। तो आप उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, जो डे आके निकल के आ रहा है वो आपका अप्रॉक्स ओव्यूलेशन का डे है। उससे अगर आप 2 दिन पहले, उस दिन या उसके बाद के 2 दिन अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर गारंटी नहीं है कि इसी साइकिल में प्रेगनेंसी रुक जाएगी। प्रेगनेंसी रुकने में टाइम लगता है, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो उतना टाइम लग सकता है। पर ये ओव्यूलेशन का तरीका है आपका ट्रैक करने का। लेकिन ये एक मिथ है, ये एक गलत धारणा है, ये हम लोगों को बस ये बोल दिया कि 14th डे पे, हर 14वें दिन पे एग रिलीज होता है आपकी साइकिल में, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है साइकिल की लेंथ पे। जिनकी छोटी साइकिल की लेंथ है उनका जो है 14वें दिन से पहले हो जाएगा, जिनकी साइकिल की लेंथ 28 दिन से ज़्यादा की है उनका जो है 14th डे के बाद में रिलीज होगा। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच।